उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के दो दो नेताओं को भी मंत्री बनाया गया। विश्वास मत के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी। किसानों की कर्ज माफी और झुग्गी बस्ती वालों को 500 स्क्वायर फीट जमीन देने का ऐलान। 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने के लिए कानून भी बनेगा। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर टीएमसी की जीत से बीजेपी की उम्मीदों को झटका। उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को मामूली अंतर से हराया। प्रज्ञा ठाकुर पर चौतरफा घिरने के बाद बीजेपी ने उन्हें रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति से हटाया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने पर भी रोक लगी। कांग्रेस ने सदस्यता खत्म करने की मांग की। आज आएंगे जीडीपी के आंकड़े। 4.7% रह सकती है विकास दर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भीषण बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से ठंड बढ़ी। पहली विदेश यात्रा में भारत आए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया। कहा संसद का नया कानून लाएं। और पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने कहा आईपीएल में ज्यादा से ज्यादा भारतीय कोच होने चाहिए।